there are two equal and opposite charges. Equal and opposite. Opposite means one is plus and one is minus. These are central charges. This is minus q, this is plus q, and there is a distance between them, and these two are bound with a finite distance. Bound with finite distance, मतलब इनका distance बदलेगा नहीं, एक fixed distance है. ऐसा system, this complete system is known as electric dipole. ये electric dipole हमारे nature में बहुत मिलते हैं. जितने electrolytic compounds हैं, like NaCl, Na is plus, Cl is minus. So this NaCl is a electric dipole. इस तरह से और दूसरे भी dipole कौन से होते हैं? कुछ dipole natural dipole होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम stretch करके बना लेते हैं dipole. अगर plus और minus किसी compound के एक ही position पर है और उनके बीच distance नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से वो स्ट्रेच हो जाते हैं एंड दैट बिकम्स अ डायपोल. जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे उसमें उस चीज को फिर से लेंगे. अभी हम ये स्टडी करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है और ये क्या काम कर सकता है. तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हम तीन चीजें स्टडी करेंगे. फर्स्ट, कि क्या ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डायपोल. दूसरा, एक डायपोल को ले जाकर अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर जो फोर्स लगेंगे, कुछ फोर्स लगेगा या नहीं, कुछ टॉर्क बनेगा या नहीं, तो दैट विल बी अवर सेकंड स्टडी, फोर्स एंड टॉर्क on a dipole. तीसरा, हम ये स्टडी करेंगे कि जो डायपोल जहां पर भी होता है, सीधा खड़ा है, घुमा हुआ है या जैसा है, क्या उसके पास एनर्जी होती है, उसको घुमाने के लिए हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ती है. अगर ऑलरेडी घुमा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, कितना हम उस पर एनर्जी खर्च कर चुके, कितना उस पर वर्क करते हैं. That is energy consideration. Energy consideration. These are the three things which we are going to study in dipole. सबसे पहले start करते हैं electric field made by dipole. Electric field made by dipole. इसे देखिए. ये एक dipole है. सबसे पहले डायपोल टू डायपोल हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, एक डायपोल और दूसरे डायपोल में क्या अंतर होता है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि हर डायपोल की अपनी अपनी इफेक्टिवनेस होती है और कोई डायपोल कम इफेक्टिव होता है, कोई ज्यादा इफेक्टिव होता है. जैसे यहां पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है, इधर प्लस चार्जेस रख दिए, इधर माइनस चार्जेस रख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया. व्हाट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस. तो यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्रिएट किया. एक डायपोल को हम यहां पर लेकर आते हैं, ये ऐसा लेकर आए और इसमें इधर और इधर प्लस और माइनस चार्ज लगा हुआ, ये एक डायपोल है और ये ऐसा घूम गया, इसको टॉर्क लगा 10 न्यूटन मीटर. अगर हम इसको वापस ले जाना चाहते हैं तो हमको लगाना पड़ता है 10 न्यूटन मीटर. फिर हम एक दूसरा डायपोल लेकर आते हैं और इस डायपोल को हम यहाँ पर रखते हैं, फिर ये ऐसा हो जाता है, इसको जब हम ऐसा घुमाते हैं तो हमको टॉर्क लगाना पड़ता है 20 न्यूटन मीटर. तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला ज्यादा इफेक्टिव है और ये वाला कम इफेक्टिव था, हमको टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ रहा है उसको घुमाने के लिए. इस तरह से हर डायपोल की अपनी अपनी ताकत होती है, अपना अपना इफेक्टिवनेस होता है. लेकिन फिजिक्स में हर चीज की हमको क्वांटिटी चाहिए. अगर हम इसकी इफेक्टिवनेस नापना चाहते हैं तो इफेक्टिवनेस किससे नापेंगे, कौन सी क्वांटिटी से इसकी इफेक्टिवनेस पता चलेगी,
तो आंसर है कि वो डायपोल में दो क्वांटिटी सबको दिखती है, एक चार्ज, दूसरा इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है। ये अगर सेंटर है और हम इसको ऐसा घुमाना चाहते हैं तो टॉर्क किस पर डिपेंड करेगा, ये लेंथ पर डिपेंड करेगा। टॉर्क की डेफिनेशन आपने सुनी है, देखी है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन ये डिसाइड करेगा कि ये टॉर्क कितना इफेक्टिव है। तो इसको हम डिस्टेंस को मानते हैं एल, इस डिस्टेंस को भी मानते हैं एल, तो इन दोनों के बीच टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टू है। यहां पर अगर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगा दिया तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्यू पर फोर्स लगेगा, इस क्यू पर भी फोर्स लगेगा, ये कितना टॉर्क बनाएगा या इस चार्ज का मोमेंट कितना होगा। मोमेंट क्या होता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय आर ऑफ रोटेशन। फिर से मोमेंट क्या होता है, मोमेंट रोटेशनल मोशन की एक क्वांटिटी है। कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का मोमेंट, जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये जो साइड है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो क्वांटिटी हमारे, अगर ये मास है और ये हमने ऐसा घुमाया तो मास मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, दैट इज मोमेंट ऑफ मास। यहां पर हमने फोर्स लगाया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस क्या बन गया, मोमेंट ऑफ फोर्स। यहां पर हमने m और v कैलकुलेट किया, m into v क्या होता है, मोमेंटम, ये मोमेंटम यहां पर लगा p और ये डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई किया तो नई क्वांटिटी क्या बनी, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो जिस किसी चीज को रोटेशनल आर्क के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो उसका क्या बना देगी, मोमेंट। इस तरह से इसका मोमेंट कितना बना, u into m, और इसका मोमेंट कितना बना, u into l। ये कैसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज, और ये भी कैसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज, दोनों की एक ही डायरेक्शन है इसलिए दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और ऐड होके क्या बनेगा, u l, दिस इज मोमेंट। किसका मोमेंट, डायपोल का मोमेंट, सो वी विल कॉल इट डायपोल मोमेंट। तो ये क्वांटिटी इसकी इफेक्टिवनेस बताती है कि किसी भी डायपोल में कितनी इफेक्टिवनेस है, कितना वो स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये डायपोल मोमेंट थ्रू क्यू इनटू एल। इसको हम दूसरे तरह से भी याद कर सकते हैं कि अगर ये डायपोल है इसका ई चार्ज क्यू है और ये डिस्टेंस इसके बीच का टू एल है, इसका डिस्टेंस ऑफ रोटेशन कितना लेंगे, 2L। तो इसका डायपोल मोमेंट कितना लेना है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, 2L। सो दिस विल बी q into 2L, दैट इज मोमेंटम। अब डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे और इसको हम लिखा करेंगे P। डायपोल मोमेंट शॉर्ट में, एक शब्द में क्या चीज है, इफेक्टिवनेस ऑफ ए डायपोल। जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा उतना वो डायपोल ज्यादा इफेक्टिव होगा और ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। ओके, ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, फिर से रिवाइज करिए, इक्वल बट अपोजिट इन नेचर। ये डिस्टेंस कैसा है, फिक्स्ड डिस्टेंस और फिनिट डिस्टेंस, तब ये सिस्टम क्या कहलाएगा, डायपोल। डायपोल की इफेक्टिवनेस क्या होती है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को कैसे नापते हैं, 2q मल्टीप्लाइड बाय l, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, 2l नॉट l, ये ध्यान रखिएगा। ये जो 2ql है इसमें 2l क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक l एक q के जिम्मे है, दूसरा l दूसरे q के साथ है, तो ql + ql = 2ql।
तो ये डायपोल की इफेक्टिवनेस है। ओके, इसके बाद एक छोटी सी चीज और, हम जो भी क्वांटिटी पढ़ेंगे फिजिक्स में, हम ये पढ़ते हैं कि वो क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो स्केलर है या वेक्टर है और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, तो आंसर है डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नोट कर लीजिए, डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ओके, तो इसकी डायरेक्शन देखिए, माइनस से लेके प्लस की तरफ, ये इसकी डायरेक्शन मानी जाती है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, और इसको हम लिखेंगे वेक्टर p। दिस इज डायपोल मोमेंट। तो ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है? माइनस q टू प्लस q। अच्छा, आप लोग जो भी डायपोल आगे से बनाया करेंगे, दोनों तरह से बना सकते हैं हम डायपोल, दिस इज प्लस q एंड दिस इज माइनस q, और ये बन गया डायपोल p। अब ये बताइए, यहां डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, इसमें कैसी है? लेफ्ट टू राइट। तो जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमको कभी-कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि हम घर से प्रैक्टिस करके जाएंगे लेफ्ट टू राइट की, और एग्जाम के पेपर में हमने ऐसे डेरिवेशन स्टार्ट कर दी तो हम देखेंगे रास्ते में वो डेरिवेशन नहीं आ रही जो हमने पहले प्रैक्टिस की थी। क्यों? क्योंकि अनजाने में हम लोगों ने उसकी डायरेक्शन पलट दी है, इसलिए शुरू से एक ही आदत बनाई है। ये वाला जो एरो है जो पी की डायरेक्शन दिखाता है, हमारा मैथमेटिक्स कहता है हर चीज कैसे चलेगी, लेफ्ट टू राइट, हम लिखेंगे तो भी लेफ्ट टू राइट, नंबर लाइन की हमारी कैसी चलती है, 1 2 3 4 5 लेफ्ट टू राइट, इसलिए पी भी हम कैसा बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट। अगर इसको लेफ्ट टू राइट बनाना है तो इधर कौन सा चार्ज होगा? माइनस, और इधर प्लस। तो हम लोग हमेशा डायपोल ऐसे ही बनाया करेंगे, ये कोई लॉ नहीं है, डायपोल कैसा भी रह सकता है, हम ऐसा इसलिए बनाते हैं ताकि हर बार हमारी कैलकुलेशन एक जैसे चले, साइन उल्टे पलटे मत हो जाए, समझ गए? ओके, सो अब ये आ गया डायपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये उसकी डायरेक्शन। इसके बाद अब हम लोग इस पर आते हैं दैट वो तीनों चीजों पर, सबसे पहले कि क्या इलेक्ट्रिक डायपोल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल में एक पॉजिटिव ई चार्ज है और एक नेगेटिव ई चार्ज है, प्लस ई और माइनस ई। तो अगर प्लस और माइनस दोनों हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों से कैसा बनेगा? एक दूसरे से उल्टा। अगर एक दूसरे से उल्टा बनेगा तो क्या वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा? अगर एक दूसरे से उल्टा फील्ड होता है तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, नेचुरल है, लेकिन तभी कैंसिल करेगा अगर वो इक्वल होगा, तो इक्वल एंड अपोजिट। पर यहां पर दोनों की लोकेशन अलग अलग है, अलग अलग लोकेशन होने से हम कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। सो देयर हैज टू बी सर्टेन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए डायपोल से हमको एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, दैट मींस इट मेक्स सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम स्टडी करेंगे कि डायपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। डायपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसकी स्टडी करने के लिए हम उसको तीन पार्ट में स्टडी करेंगे। ये अगर एक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टडी करेंगे कि ये लाइन जो है इस लाइन पर कोई एक पोजीशन लेंगे, क्योंकि ये एक डेफिनेट लाइन है जो कि इसके मोमेंट की लाइन है,
इस लाइन को हम बोलेंगे इसकी एक्सिस, क्या बोलेंगे एक्सिस, और इस पर जो भी पॉइंट होगा उसको बोलेंगे पॉइंट ऑन दी एक्सल लाइन। तो ये पॉइंट कहां है, पॉइंट ऑन एक्सल लाइन। यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको स्टडी करेंगे। ये इसके सेंटर से हमने एक ऐसी लाइन खींची, इसे हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल, या दूसरा इसका नाम है इक्वेटोरियल। अगर इस पर कोई पॉइंट है तो इसे क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन और पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। यहां पर कितना ई होता है इसको स्टडी करेंगे, ई ऑन इक्वेटोरियल लाइन, दिस इज ई ऑन एक्सल लाइन, इसको स्टडी करेंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये दो लाइन पर ही हो सकता है वो पॉइंट यहां नहीं हो। दिस इज ए जनरल पोजिशन, सो दिस ऑल्सो वी विल स्टडी दैट व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जनरल पॉइंट। तो ये तीन अगर करेंगे तो हमारा हर तरह का पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सल लाइन, एक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस को हमने माना 2L, सो दिस इज L एंड दिस इज L, सो दिस इज 2L डिस्टेंस। देयर इज अ पॉइंट P एनीवेयर ऑन द एक्सिस, ना P नहीं मानते बिकॉज P इज फॉर डायपोल मोमेंट, इसलिए उसको अवॉइड कर देते हैं। ओके, देयर इज अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस R। तो जब डायपोल से हम डिस्टेंस लेंगे तो किस पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे, प्लस से, माइनस से, या सेंटर से? तो आंसर है सेंटर से। तो यहां से हमने इसका डिस्टेंस लिया एंड दिस डिस्टेंस इज आर। अब इस पॉइंट पर हमको, लेट अस से दिस पॉइंट इज एम, पॉइंट एम पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कि कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला किससे बनता है, तो आंसर है वो फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के कारण हमको आता है, इट इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा, अगर पॉइंट चार्ज के कारण है तो यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज है या ये पॉइंट चार्ज है, तो इनके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है, और पूरा सेट सिस्टम के कारण एक साथ निकालना नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, इसके कारण निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण निकालेंगे, दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, इसलिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देंगे, दोनों वेक्टर्स को। तो शुरू करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, ये प्लस है, यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो आंसर है उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। प्लस, प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिए कैसा होता है, रेडियल आउटवर्ड। माइनस का कैसा होता है, रेडियल इनवर्ड। तो माइनस हमेशा कैसा बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अपनी तरफ आते हुए, प्लस कैसा बनाएगा, बाहर जाते हुए। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाते हुए, तो यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा। दूसरी तरह से आप कैसे चेक कर सकते हैं, एक टेस्ट चार्ज को यहां रखिए, टेस्ट चार्ज को यहां रखिए, इस प्लस के कारण इस पर कैसा फोर्स लगेगा, प्लस टेस्ट चार्ज जो कि प्लस होता है उस पर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्शन का, उस रिपल्शन फोर्स के कारण ये जो फोर्स लगेगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कितना हुआ, तो यहां हमने काउंट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डिस्टेंस। कहां से डिस्टेंस लेना है, तो आंसर है चार्ज से डिस्टेंस लेना है। तो यहां पर चार्ज कहां है, ये रहा चार्ज, तो इस चार्ज से ये वाला डिस्टेंस कितना, R minus L, so this you can write as R minus L square.
वैसे ही हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू. दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस क्यू से इसका डिस्टेंस. दिस इज आर प्लस एल. सो दिस यू कैन राइट एज क्यू अपॉन आर प्लस एल. क्या आप यहां माइनस कितना पसंद करेंगे? आपकी मर्जी है. ये इसके कारण हुआ E due to minus Q. ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं? अपोजिट अपोजिट है तो जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? माइनस करके. अगर आप कहेंगे कि माइनस नहीं करना है, हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम माइनस क्या ना लगा देंगे, क्योंकि चार्ज कैसा है? माइनस. अब इन दोनों का टोटल करिए तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? माइनस. तो सब्ट्रैक्शन होना ही है, चाहे आप यहां माइनस लगा के करिए, चाहे इसको शो करके करिए दैट इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो दे विल कैंसिल ईच अदर और दे विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर. तो ये बताइए इसमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा, E प्लस क्यू या E माइनस क्यू? नजदीक में कौन सा चार्ज है? Which charge is nearer? Plus Q. इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका होगा? तरीका समझ में आया? जब भी आप ऐसे कंपेयर करना चाहो तो R को आपको देखना है, क्योंकि E हो या फोर्स हो, ये हमेशा क्या होता है? ये जो R छोटा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज्यादा है? Q प्लस Q का. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा. तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? इस बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे. सो दैट विल गिव द रिजल्ट दैट वी विल राइट एज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू ई ड्यू टू प्लस क्यू प्लस ई ड्यू टू माइनस. अब अगर मैं इसको प्लस लिखूंगा तो इसकी वैल्यू कैसे लगाऊंगा? माइनस के साथ. अगर मैं इसको माइनस लिखता तो मैं इसको भूल जाता कि माइनस लग गया. एक ही बार माइनस लगाना है, दो बार माइनस मत लगाइए. समझ गए? ओके. सो दिस इज इक्वल टू ई क्यू. इसके बराबर है दिस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर. And this will be minus Q upon 4 pi epsilon naught R plus L square. तो ये हमको इसमें से माइनस करना है और इसका एक्सप्रेशन आगे बनाते हैं. देखिए इन दोनों का एलसीएम 4 pi epsilon नहीं, पहले कॉमन बाहर निकाल देते हैं. कॉमन बाहर निकाला दैट विल बी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. q दोनों में है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, तो ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन r माइनस l स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस l स्क्वायर. ओके, दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इन दोनों का एलसीएम हमने निकाला, दिस इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर. यहां पर आ जाएगा आर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. This is r square minus l square whole square. ऊपर में r square plus l square plus 2rl minus r square plus l square minus 2rl. तो r square minus l r square plus l square दो तरफ से कैंसिल. तो 2rl minus minus 2rl r में जाएगा तो ऐड होके तो क्या बन जाएगा? 4rl. 2rl इसका, 2rl इसका.
अब इस क्वांटिटी में फोर फोर कट जाए, नहीं हमको नहीं काटना, क्यों? क्योंकि हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हैं, 9 इनटू 10 की पावर 9, और वो मीडियम का कांस्टेंट है, इसलिए उसको हम एज इट इज ही रखते हैं। तो नॉर्मली हम लोग 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में चेंज करना पसंद नहीं करते। अब इसको देखिए, क्यू फोर आर एल, और एक चीज हमको मालूम है, पी किसके बराबर होता है? 2QL, ये रहा Q, ये रहा L, और ये क्या चीज है, ये एक 2 इसमें से ले लीजिए, तो ये तीनों मिलाकर क्या बन गया, P, और ये सामने क्या है, 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, और सामने रीजन समझ में आया, 2QL के बदले में हमने क्या लिख दिया, P, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल की ताकत कौन है, P, इसलिए हम उसका फॉर्मूला P के फॉर्म में बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये आ गया। अब इसके बाद हम एक छोटी सी चीज और लेते हैं, हम ये मानते हैं ये L क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। कोई भी डायपोल बहुत ही छोटा होता है, एक एटम दूसरे एटम के साथ चिपका हुआ है, तो उसके बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। सो एल इज ऑलवेज ए वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। सो इसको अब हम नोट करते हैं, सिंस एल इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर, आर के कंपैरिजन में एल बहुत छोटी क्वांटिटी है, देयरफॉर L square is neglected. यहां से हमने L square को neglect कर दिया। अगर L square को neglect कर दिया, तो यहां क्या बचा? R square की power 2 is R to the power 4, R to the power 4 से एक R cancel हो गया, कितना बचा? R to the power 3. So this will be 1 upon electric field is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2 p upon r cube. ये हमारा finally simplified electric field का formula बना, 2 p upon r cube. So this is dipole moment. ये electric field का sign कैसा आया, plus या minus? Plus. अगर इसका sign plus आया है, तो इसकी direction इधर होनी चाहिए. Positive is in this direction, तो इसकी direction इधर. Resultant. तो axial line पर electric field किस direction में होता है? इधर होता है. अब ये इधर मतलब क्या होता है? नहीं. और स्टैंडर्ड बनाओ, इधर अवे है कि इधर अवे, हम बोलेंगे इधर अवे, नहीं सुनिए, इसको हम क्या करते हैं, हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, वो रेफरेंस पॉइंट है P की अपनी डायरेक्शन, ये देखिए ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो यहाँ पर ये जो वेक्टर P है डायपोल मोमेंट, इसकी डायरेक्शन किधर होती है, माइनस से प्लस, ये फिक्स है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब इसके साथ इसके रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट आया, इसको कंपेयर करके दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक जैसी, एक ही तरफ, सो वी विल से द रिजल्टेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, रिजल्टेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। In the direction of dipole moment. तो ये याद रखिए, यहां पर ऐसा होगा, ये चीज समझ में आई। अब थोड़ा सा इस तरफ देखिए, अगर हम ये पॉइंट एम यहां पर लेते,
उसी डायरेक्शन लेफ्ट होती की राइट 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 ये माइनस इसको क्या करेगा अट्रैक्ट ये प्लस क्या करेगा इसको रिपेल ये कौन नजदीक है माइनस इसलिए ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो रिजल्टेंट भी किधर बनेगा इस तरफ दैट इज अगेन अलोंग पी तो वो भी अलोंग पी है और ये भी अलोंग पी यानी पूरी एक्सल लाइन पर आप कहीं भी चले जाइए भले लेफ्ट में जाइए भले राइट में जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलेगा अलोंग पी ठीक है तो इसको जो मैंने लिखा है इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं अलोंग पी ऐसा इसे याद रखते हैं क्लियर ओके तो ये हमने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप देख रहे हैं ये आर कितना है आर की पावर 3 जबकि पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फॉर्मूला है क्यू अपॉन आर स्क्वेयर उसमें स्क्वेयर होता है और इसमें क्यू होता है ओके अब अगली पोजीशन देखते हैं जब हमारा पॉइंट एम उसके इक्वेटर की लाइन पर है या उसके ट्रांसफर से है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टडी ऑन इक्वेटोरियल लाइन और ट्रांसफर से इसके लिए ये एक डायपोल हमने बनाया थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है इक्वेटोरियल लाइन इस पर ये हमने एक पॉइंट लिया लेट दिस पॉइंट बी एम ओके यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इस एम पॉइंट का डायपोल से डिस्टेंस आर है अगर मैं बोलूंगा इसका डिस्टेंस आर है तो कौन सी लाइन आर लेंथ रखती है तो आंसर है ये वाली जो लाइन है सेंटर से मिलाने वाली इसकी लेंथ कितनी है आर तो डायपोल से डिस्टेंस कहां से नापना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल ये सेंटर ऑफ द डायपोल है इससे इसका डिस्टेंस आर है और इस डायपोल का अपना लेंथ कितना होता है 2L L plus L 2L ये इसकी अपनी हो गई और अब ये प्लस Q और माइनस Q इनके कारण यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो तरीका वही है प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए माइनस Q के कारण निकालिए और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ऐड कर दें वेक्टर है तो वेक्टोरियली ऐड कर देंगे तो इसको हमने मिलाया और इसको मिलाया अगर इसका डिस्टेंस r है इसका l है तो ये कितना होगा l स्क्वायर और ये भी होगा रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ओके ये जो प्लस है ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इसी लाइन पे आउटवर्ड या इनवर्ड कैसा बनाएगा आउटवर्ड क्योंकि ये भी प्लस है तो इसने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनाया दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस ये हमने वेक्टर बना दिया इसका ये माइनस क्यू कैसा बनाएगा इनवर्ड दैट इज टुवर्ड्स माइनस तो ये बना इसका दोनों की चार्ज की क्वांटिटी कैसी है इक्वल दोनों का डिस्टेंस कैसा है इक्वल इसलिए दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा होगा इक्वल सो इक्वल मैग्नीट्यूड होने से इन दोनों की लेंथ भी हम कैसी रखेंगे इक्वल ठीक है तो ये हमने दोनों वेक्टर बनाए अब इसको क्वांटिफाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इसका स्क्वायर लेंगे बोलिए यस रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का डिस्टेंस स्क्वायर स्क्वायर लेने के लिए रूट हटा देंगे तो दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
ये आ गया. नाउ ई यू टू माइनस इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन एज पर डायग्राम. ओके, E due to minus Q is again 1 upon 4 pi epsilon naught Q, same distance है, R plus L square, direction as per diagram. अब दोनों की quantity तो same है. अगर दोनों की quantity same है लेकिन हम उसको plus minus नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि दोनों की direction एक line में नहीं है. अगर दोनों एक लाइन में होते तो या तो ऐड कर देते और उल्टे होते तो सब्ट्रैक्ट कर देते, पर ना तो ये एक लाइन में सीधे हैं और ना एक दूसरे से उल्टे हैं, इसलिए हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन का सहारा लेना पड़ेगा. अब इन दो क्वांटिटीज में हमको वेक्टर एडिशन करना है, तो इन दो क्वांटिटीज में वेक्टर एडिशन कैसे होगा, उसके लिए हमने तरीका बनाया. हमारे पास दो मेथड है, हम चाहे तो पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं और अगर हम चाहे तो इसको इसके अलग अलग फैक्टर निकाल के इनको आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं. तो हम इसके इन दोनों के कंपोनेंट बनाते हैं रिजॉल्व करके और उन कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करते हैं. तो ये एक वेक्टर एडिशन की प्रोसेस है. देखिए ये कैसे होगी, इस लाइन के पैरेलल हमने यहाँ पर ये एक लाइन ड्रॉ की, दिस टू आर पैरेलल टू ईच अदर. लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा. इफ दिस एंगल इज थीटा, हाउ मच इज दिस एंगल? दिस एंगल इज आल्सो. अगर ये दोनों एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल कितना होगा, और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा. ये समझ आ गया? इस तरह से ये दोनों एंगल थीटा और थीटा ऐसे बनेंगे. अच्छा, अब हमने इनको रिजॉल्व करना है. रिजॉल्व करने के लिए इसकी इसका मैग्नीट्यूड इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो आंसर है इसकी क्वांटिटी हम पहले निकाल चुके हैं, ये क्वांटिटी यहां पर लिखी. लेकिन दोनों क्वांटिटी कैसी है, बराबर. तो अभी हम इतनी बड़ी क्वांटिटी ना लिख के इसको सिर्फ E लिखना चाहते हैं, तो हियर वी विल गिव ए नोट E ड्यू टू प्लस Q एंड माइनस Q आर सेम इक्वल टू E. दोनों को हमने क्या मान लिया, E. ओके, अगर हमने दोनों को E मान लिया तो इस E की क्वांटिटी कितनी है, आंसर है E की क्वांटिटी ये लिखी हुई है. फिलहाल हम इसको क्या मानते हैं, E, तो ये भी कितना होगा, E. इस E के हमने दो कंपोनेंट के रिजॉल्व किया, ये एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, E cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना होगा, E sin थीटा. इस E के दो कंपोनेंट किए, दिस इज E cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज E sin थीटा. अब इसमें हम देख रहे हैं E sin थीटा और E sin थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट है तो बैलेंस कर लेंगे, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो. तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ठीक है, ना ऊपर ना नीचे, कैंसल. अब हॉरिजॉन्टल में देखिए, हॉरिजॉन्टल में इस तरफ कोई कंपोनेंट नहीं है, दोनों इस तरफ आए. अगर दोनों इस तरफ आए हैं तो हॉरिजॉन्टल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, वेरी गुड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2E cos, ये इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. लेकिन ये वैल्यूज हमारी गिवन वैल्यूज नहीं है, इसलिए हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा गिवन वैल्यू. तो गिवन क्वांटिटीज में कन्वर्ट करते हैं, E की वैल्यू यहां से रखते हैं. सो दिस इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E रिजल्टेंट इज इक्वल टू
2 multiplied by E. This is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square plus L square. ये किसकी वैल्यू हो गई? E की. उसके बाद cos theta. Cos theta को हम लोग ज्योमेट्री से निकालते हैं इस ट्रायंगल में. इस ट्रायंगल को देखकर या इस ट्रायंगल को देखकर cos theta की वैल्यू बताइए. cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बोलिए, बेस कितना लंबा है? L. ये तो cos theta के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? L अपॉन R square plus L square का square root. ये square. ठीक है, यहां देखिए R square plus L square की पावर कितनी है? 1. यहां R square plus L square की पावर half. और पावर पावर आपस में ऐड हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी पावर? 3/2. सो दिस इज इक्वल टू, अब इसको देखिए, ये यस 2 इंटू क्यू इंटू एल इज इक्वल टू पी. पी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हर जगह ऐसे ही रहता है, सो वी विल राइट इट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू द पावर 3/2. r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू द पावर 3/2. ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया रिजल्टेंट. ठीक है, एक स्टेप और इसमें हम l को निकाल सकते हैं. पिछली बार हमने क्या किया था? L इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू R. वही चीज यहां भी करते हैं. L इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू R, देयरफोर L स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड. अगर इसको हम नेग्लेक्ट कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आया? इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R, R की पावर 2 की पावर 3/2. कितना हुआ? R की पावर 3. 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 इज इक्वल टू 3. सो दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. यहां पर हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी लाइन पे? इक्वेटोरियल पे. ये कौन सी लाइन पे था? एक्सल पे. दिस इज 1 अपॉन 4 pi epsilon naught P upon R cube. देखिए दोनों की शक्ल मिलती जुलती है, एक जैसे आ गए दोनों. क्या अंतर है? कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? यस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डायपोल इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर. हाउ मच स्ट्रॉन्गर? डबल. Double of the electric field on the equator line. इस चीज को लिखकर नोट कर लीजिए. Electric field on the axis is equal to twice the electric field on the equator. दूसरा आपको एक चीज और याद रखनी है, पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है? पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर. और डायपोल, डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1 अपॉन आर क्यूब. ये इन दोनों का क्या मतलब है? इन दोनों का मतलब क्या है? इसको जरा इसका सिग्निफिकेंस देखिए. अगर हम अपना डिस्टेंस डबल करते हैं, यहां एक चार्ज रखा, डिस्टेंस को डबल किया, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखा उसको, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, डिस्टेंस को डबल कर दिया दो गुना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया? कम. कितना कम? 2 into 2, 4.
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम हो गया, 1/4 हो गया। किसके केस की बात कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज। फिर से पॉइंट चार्ज पे आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम आर को डबल कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, 1/4 टाइम, ठीक, कम हुआ। डायपोल के केस में, डायपोल के केस में यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई है आर डिस्टेंस पर, अब आर को डबल कर दीजिए, डबल टू, तो ये कितना हो जाएगा, 1/8, टू टू टू, 1/8। तो जैसे ही हमने आर डबल किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई अपॉन एट, 1/8। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस केस में ज्यादा कमजोर हो गया, डायपोल या पॉइंट चार्ज? डायपोल में कितना हुआ था, 1/4, सॉरी डायपोल में 1/8 और पॉइंट चार्ज में 1/4, तो किस में ज्यादा गिरा, डायपोल में ज्यादा गिरा, क्योंकि 1/8 हो गया, और गिरता दोनों में, कम दोनों में होता है, लेकिन पॉइंट चार्ज में 1/4 हुआ और डायपोल में 1/8 हुआ, ज्यादा तेजी से गिरता है। तो अगर एक जगह पर इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां से हमने ये, यहां जीरो से ये आर डिस्टेंस है, अगर हमने आर को 2R कर दिया, ये 2R, तो यहां पर पॉइंट चार्ज होगा तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बड़ा मिलेगा, लेकिन अगर डायपोल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बड़ा। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा गिरा, लेकिन डायपोल के लिए ऐसा गिरा, किसमें ज्यादा गिरता है, डायपोल में ज्यादा गिरता है, ज्यादा डेटोरिएट होता है। तो इसके लिए नोट कर लीजिए, फॉर पॉइंट चार्ज ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². For dipole, E is proportional to 1/r³. Therefore, in case of dipole, the electric field deplete faster. ये शब्द याद रखिए, deplete faster. डिप्लीट मतलब क्या होता है, कम हो जाना, गिर जाना, वीक हो जाना। सो इन केस ऑफ डायपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीट्स फास्ट, ठीक है, ओके, ये हो गया। तो हमने दो पोजीशन स्टडी कर ली, एक पोजीशन एक्सल लाइन, दूसरी पोजीशन इक्वेटर लाइन। अब हम देखते हैं जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट में क्या क्या चेंजेस। इन दिस केस लेट अस से दिस इज द डायपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, दिस इज एक्सल लाइन, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन, but our point is located at this point. This is neither on the axial line nor on the equatorial line. So this we will say it is in any general position. So any position or general position. यहाँ पर electric field निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हमने एक बड़ा easy method बनाया। ये जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड वी रिप्रेजेंट इट हियर लाइक दिस। दिस इज वेक्टर मोमेंट पी, ये इसका सेंटर है, यहां से ये पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर आर है, ये डिस्टेंस आर के बराबर है, और ये डायपोल मोमेंट से वेक्टर के, डायपोल मोमेंट के वेक्टर से थीटा एंगल बनाता है, ठीक
थीटा एंगल बनाएगा, आर डिस्टेंस पर है, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये दो चीजें हमको गिवन है और इसका डायपोल मोमेंट कितना है टी, ये हमको गिवन है। तो गिवन क्वांटिटी हमारे पास क्या क्या है, पी थीटा एंड आर, और हमको निकालना क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इसकी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आपको इसमें दो प्रोसेस हो सकती है, तो एक प्रोसेस हम इसमें पढ़ेंगे, एक प्रोसेस पोटेंशियल में पढ़ेंगे। ये जो वेक्टर है हम वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहते हैं, सॉरी हम वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहते हैं, इसको हम रिजॉल्व करते हैं दो डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन ये, अगर ये P है तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, P cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, P sin थीटा। ये इसका कंपोनेंट है P cos थीटा, इसका कंपोनेंट ये ऐसा बना, तो इस पूरे का कंपोनेंट ये पूरा वेक्टर बना, और इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है P cos थीटा। इज इट क्लियर। इसी तरह से जो इसके परपेंडिकुलर बनेगा वो यहां तक बनेगा, ये जो कंपोनेंट है P का, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, P sin थीटा। अब P के कारण जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था उसको हम ये मानते हैं कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर जोड़ देंगे तो वो किसके कारण माना जाएगा, इस पूरे इलेक्ट्रिक, इस पूरे P के कारण माना जाएगा। ये फैक्ट समझ में आया कि P का इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता था उसके भी दो हिस्से, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हमको निकालने की जरूरत पड़ती है तो हम निकालते भी वैसे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को आपस में ऐड कर देंगे। क्या फायदा, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करना बहुत आसान बना देता है। किस तरह से इसी बनाता है देखिए, अब ये हमारे पास डायपोल मोमेंट नहीं है, ये दो डायपोल मोमेंट है, इसी के दो हिस्से कर लिए। अच्छा, इस डायपोल मोमेंट में पॉइंट M कैसा है एक्सल पोजीशन पे, इस डायपोल मोमेंट में पॉइंट M कैसा है इक्वेटर पोजीशन पे, और दोनों के फाइनल रिजल्ट हमारे पास है, तो हम वो पूरी कैलकुलेशन फिर से नहीं करेंगे, आर प्लस एल आर माइनस एल कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी कॉस थीटा, ई ड्यू टू पी कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्सल लाइन पर ये, इसको लिख देते हैं इस रिजल्ट को, दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या आना है 2p, तो ये रहा 2 और p की जगह यहां किसको लेना है हमने, p cos थीटा, 2p cos थीटा अपॉन r का क्यूब, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, अब इस r का क्यूब, r क्यूब ये हो गया e due to p cos थीटा। बस अब E due to P sin theta this is equal to, बताइए कितना होगा, यहां पर क्या आ जाएगा P sin theta, बस क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट कितना है P sin theta, और यहां पर हमको डायपोल मोमेंट लिखना है और आगे पीछे इसके कुछ नहीं चाहिए, ये इसके कारण। अब हमको सम करना है, लेकिन ये वेक्टर, अगर ये वेक्टर है तो हमको वेक्टर नोटेशन बनाने पड़ेंगे, उसका एंगल देखना पड़ेगा और तब हम उसका सम कर पाएंगे। वेक्टर एडिशन में हमको सम की लिए थीटा एंगल की जरूरत पड़ती है। तो देखिए यहां पॉइंट पर
इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? याद करो एक्सएल लाइन पर डायरेक्शन किधर थी? अलोंग पी। तो ये हमने बना दिया, इसकी डायरेक्शन में ये पी है यहां पर, तो यहां पर इसकी डायरेक्शन भी ऐसी होगी। ठीक है, ये कौन सा है जो पी कॉस थीटा के कारण बना? इसका हमने नाम दिया ई एक्सल। तो ये है ई एक्सल, ई एक्सल। अब याद करिए इक्वेटर लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? अपोजिट टू पी। पी हमारा ऐसा था और ई कॉस थीटा ऐसा बना था, याद आया पिछले पन्ने में देखा ऐसा बना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है ये वाला। दिस वॉज अलोंग एंड दिस वॉज अपोजिट। तो यहां पर इसकी डायरेक्शन ऐसी है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा, ये ऐसा है तो ये ऐसा उल्टा, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बना। दिस इज ई ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ओके। इस पॉइंट पर ये दो ई बने, एक पी कॉस थीटा के कारण और एक पी साइन थीटा के कारण। पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा दोनों किसके हिस्से? पी के। अगर हम इनको जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी। तो इन दोनों को जोड़ना है। अब अगर 90 डिग्री पर दो वेक्टर हैं तो इनको जोड़ना बहुत आसान होता है। वी विल कंप्लीट द रेक्टेंगल, मेक द डायगोनल एंड दिस इज रिजल्ट, ई रिजल्ट। ये बना ई रिजल्ट है, ओके। डायग्राम में तो बन गया लेकिन ये है कितना? ई ए के बारे में हमको मालूम है, ये लिखा हुआ है। ई इक्वेटर के बारे में मालूम है, ये लिखा हुआ है। तो ई रिजल्टेंट कितना होगा? क्या आपको याद है ई ए कितना होता है? इसका फॉर्मूला यहां पर इन दोनों के बीच थीटा कितना है? 90। तो cos 90 क्या होता है? 0। तो क्या बचा? रूट ऑफ a। बस राइट एंगल में रिजल्टेंट किसके बराबर होता है? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये देखिए ये e इक्वेटर है तो ये भी क्या है? e इक्वेटर, e इक्वेटर। ये क्या है? e एक्सल, e एक्सल, e इक्वेटर। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा? रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ। तो इसलिए बहुत सिंपली ये आ गया, e resultant is equal to root of दोनों का स्क्वायर, e equator का स्क्वायर प्लस e axial का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू e equator का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया हमने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin theta upon r cube इसका स्क्वायर प्लस e xl, ये 1 upon 4 pi epsilon naught 2 p cos theta upon r cube इसका स्क्वायर। ये क्वांटिटी आ गई, ओके। अब ये क्वांटिटी आ गई, इसको हमने रेक्टिफाई करना है या सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कॉमन निकालते हैं, ओके। कॉमन जो निकलेगा उसका स्क्वायर रूट करके ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों से कॉमन निकला और रूट के बाहर आ गया। सो दैट विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और पी स्क्वायर, पी स्क्वायर
कॉमन निकला पी स्क्वायर, रूट के बाहर आ गया तो क्या बन गया वो पी। सो ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब आर क्यूब का स्क्वायर, आर क्यूब का स्क्वायर कॉमन निकला आर क्यूब का स्क्वायर, रूट बन के बाहर आ गया, क्या बनेगा वो आर क्यूब। अब रूट के अंदर बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस फोर का स्क्वायर थीटा, ये फोर है ना, टू टू जा फोर, तो उसमें से वन हम यूज कर लेंगे ऐड करने के लिए, तो कितने बचेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तीन बच जाएंगे, तो इसका आंसर आया वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा और एक कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जुड़ के क्या बन गए वन, बाकी कितना बचा थ्री कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से दिस इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए हमने क्या क्या यूज किया, पी मालूम है, थीटा मालूम है, आर मालूम, तो नोन क्वांटिटी से हमने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। एट एनी पोजीशन ई आर इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब, ये इसका मैग्नीट्यूड। अगर ये इसका मैग्नीट्यूड है तो हम इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन देखिए ये एक्सल, ये इक्वेटोरियल और ये है जनरल। अब जनरल की डायरेक्शन फिर से सुनिए, एक्सल की डायरेक्शन किधर होती है अलोंग पी, इक्वेटर पर डायरेक्शन किधर होती है अपोजिट टू पी, अब जनरल में किधर होती है, तो जनरल के लिए हम रेफरेंस लाइन कहां से लाएं, तो हम जनरल में रेफरेंस लाइन पी को नहीं लेते, पी को नहीं लेते आर को लेते, क्योंकि ये पॉइंट कहां लोकेटेड है वेक्टर आर पर, वेक्टर आर के साथ ये जो रिजल्टेंट ई आया ये हमको डायरेक्शन देता है। मान लो ये एंगल है अल्फा, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, मेकिंग एंगल अल्फा विद वेक्टर आर, समझ आया, मेकिंग एंगल अल्फा विद वेक्टर आर, तो ये अल्फा होगा कितना, अल्फा निकालना बहुत आसान है, यहां बताइए टेन अल्फा किसके बराबर है, टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन, यस परपेंडिकुलर क्या है ई ऑन इक्वेटर डिवाइडेड ई ऑन एक्सल, ई ऑन इक्वेटर, ई ऑन इक्वेटर ये रहा, ई ऑन एक्सल ये रहा, दोनों को कैंसल करिए, ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, पी और पी कैंसल, तो यहां क्या बचा साइन थीटा और यहां क्या बचा टू कॉस थीटा, so this is equal to half 10 theta, this is 10 alpha, what is alpha, alpha is direction of resultant with respect to r, position vector, ye iski direction ke bare mein ho gaya aur ye iske bare mein ho gaya, ye jo general ka formula aaya kya ye formula axis pe fit hoga, क्या ये फॉर्मूला इक्वेटर में फिट होगा, तो अगर ये जनरल फॉर्मूला है तो इसका टेस्ट ये है, ये सब जगह फिट होना चाहिए, करके देखते हैं।
एक्सिस पर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? ये थीटा एक्सिस पर कितना बन जाएगा? जीरो, तो जीरो रख दो। कॉस जीरो कितना होता है? वन, तो ये क्या हो गया? वन प्लस थ्री फोर। तो अरे इसका रूट कहां चला गया? ये फोर बना, रूट डाल लीजिए। तो फोर का स्क्वायर रूट कितना होता है? टू, तो ये कितना आ गया? टू पी अपॉन आर क्यूब, यही होता है टू पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है। अच्छा, अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे, तो ये थीटा ऐसा गया, कितना एंगल बन गया? 90। कॉस 90 कितना हो गया? जीरो। ये जीरो हुआ, तो यहां सिर्फ क्या बचा? पी, पी अपॉन आर क्यूब, पी अपॉन आर क्यूब। यानी ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी पॉइंट पर लगेगा, एक्सिस पर भी सही है, इक्वेटर पर भी सही है, अपनी जगह थीटा बनाते हुए भी सही है। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, इसीलिए इसको जनरल फॉर्मूला कहें, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड मेड बाय डायपोल। अब हम लोग ये पहला इफेक्ट हमने पढ़ लिया, अब हम दूसरा इफेक्ट पढ़ेंगे कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है, किसी और एजेंट ने बनाया, किसी और सोर्स ने बनाया, हम एक डायपोल वहां लेकर गए और वहां रख दिया, तो क्या होगा? सो नाउ वी विल स्टडी इफेक्ट ऑन डायपोल विच इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड।